Yeah, good afternoon everyone. Today we are making video on exercise 13.1, question number 24 to 28, right? Limits and derivative, class 11th mathematics. To start with, I've chosen question number 24 for you, which says, this is question number 24, which says we have to check limit at x tends to 0 and at x tends 23rd तो हो गया था चेतन ने 24th हमें करना है और limit x tends to 1 f of x हमें find out करना है और f x कितना दिया हुआ है x square minus 1 when x is less than equal to 1 and it is equal to minus x square minus 1 when x is greater than 1 तो कहने का मतलब है 1 पे check करनी है पहले मैं आपके लिए question लिख देता हूँ ठीक है तो question number है ये हमारा 24 मेरे साथ साथ करें आप 24th ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 13.1 ठीक है और जिनके पास एनसीईआरटी है पेज नंबर है 302 राइट ओके स्टार्ट विद fx हमें कितना दिया हुआ चेतन ने एक दे रखा है x square minus 1 when x is less than equal to 1 और एक दिया हुआ है minus x square minus 1 when x is greater than 1 मतलब कहने का मतलब है 1 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ठीक है ना तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो सबसे पहले आप f of 1 बताइए क्या होगा f of 1 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या लोगे ऊपर वाला लोगे ठीक है ना x square minus 1 लोगे और x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 minus 1 यानी कि 0 आ जाएगा अब हम इसकी LHL निकालेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जो कि हम इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस पे चेक करेंगे और आपको 1 माइनस का मतलब पता है 1 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0 और जो फंक्शन है जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या दिया हुआ है वो फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 राइट क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है ठीक है तो कहने का मतलब है कि x के प्लेस पे अब आप क्या पुट कर दोगे 1 माइनस h पुट कर दोगे ठीक है और तब तक आपको लिमिट लिखते रहना है जब तक आप इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर देते तो ये हो जाएगा 1 plus h square minus 2h minus 1 ये minus 1 और plus 1 cancel हो जाएंगे we are left with this h square plus 2h अब h की जगह 0 put कर दो और solve करने पे ये पूरा 0 ही आ जाएगा ठीक है अब ऐसे ही हम RHL निकालेंगे RHL यानी कि x tends to 1 plus पे चेक करेंगे और 1 plus का मतलब है 1 plus h where h is tending to 0 पर फंक्शन बता बेटा कौन सा लेगा इस समय x greater than 1 है ना 1 plus का मतलब सेकंड वाला यानी वेरी गुड यानी कि minus x square minus ऊपर वाले में वैल्यू मत डाल दियो क्योंकि ये 1 plus पर है ठीक है तो बेटा ये वैल्यू डालो लिमिट वही लिखो h tends to 0 और x की जगह आप क्या लिखोगे चेतन ने 1 plus h लिखोगे ठीक है होल स्क्वायर माइनस 1 इसे सॉल्व करो ये हो गया a plus b का होल स्क्वायर लगाया a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab माइनस में 1 है इसे सॉल्व करो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h और ये माइनस 1 ठीक है इसे थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर रहा हूं ये हो जाएगा माइनस टू माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच और अब एच की जगह जीरो डाल रहा हूं राइट एच की जगह जीरो डालेगा तो ये दोनों टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी और हमारे पास माइनस टू बच जाएगा तो भाई ध्यान से देख अब आपको पता है फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवेल पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल थी पर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई थी फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल पे जीरो आ रही थी एलएचएल भी जीरो आ रहा था पर आरएचएल जो था वो माइनस टू आ रहा था तो इसका मतलब है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है उन्होंने कहा था चेक करो कि ये आप आंसर जैसे मर्जी चाहो लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो कि एक्स टेंड्स टू वन पे ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती पहली बात और या आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन
दोनों चीजें आप लिख सकते हो राइट, या चाहो तो एक भी लिख सकते हो दोनों में से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये थोड़ा पढ़ने में आपको डिफरेंट लगेंगे चैतन्य, तो मैं ही रीड कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे 25th क्वेश्चन है, अब 25th क्वेश्चन में बोला है कि इवैल्यूएट करो कि इसकी यू नो लिमिट इवैल्यूएट करो x टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x, और एफ एक्स दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 दिया हुआ है जब x इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें ये क्वेश्चन लिखना है आपके लिए, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन लिखोगे ये इसी में सॉल्व हो जाएगा। देखना ये देखो, लिमिट हमें 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और एफ एक्स कितना दिया हुआ चेतन ने, ये मॉडुलस ऑफ एक्स का साइन है राइट, अपॉन एक्स दिया व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 दिया हुआ है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 है। थोड़ा सा मॉडुलस की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है हमारा प्लस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स लेस देन 0। पहली बात तो ये ध्यान रखना ठीक है। अब दूसरी बात इसी को सॉल्व कर लेता हूँ चेतन ने, प्लस एक्स अगर लेता हूँ केस, प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगा प्लस 1, ये कब आ रहा है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स अपॉन एक्स ये माइनस 1 आएगा जब एक्स लेस देन 0 है, और 0 कब आएगा जब एक्स इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देख, वैसे LHL भी तो इसी में आएगी, क्या कहता है लेस देन 0 पे आएगी, सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है, और ये RHL हो जाएगी x ग्रेटर देन 0 यानी कि x 0 प्लस h के ऊपर ही आएगी, और ये फंक्शन की वैल्यू है उस पर्टिकुलर इंटरवल पे, 0 पे ही हमें चेक करनी थी, f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है। तो अब हम चेक करते हैं क्या f ऑफ 0, LHL और RHL हमारे क्या बराबर आ रहे हैं। f ऑफ 0 आ रहा है 0, LHL आ रहा है -1, इसमें वैसे प्लस एच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो रहा है ठीक है, और RHL आ रहा है प्लस 1, तो ये तो आपस में अन इक्वल है, और ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, या हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है f ऑफ x वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट डजंट एग्जिस्ट। दोनों में से जो चीजें आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हो ठीक है। अगर आपको इसकी पिक चाहिए वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये भी सेम ही है बिल्कुल 25th की तरह, उसका रेसिप्रोकल है हाँ, पर हम करेंगे नहीं वो 20, अभी हमने जो किया वो 25th किया है बेटा, मैं बता दूं, ये देखो मैंने 25 लिखा हुआ है, इससे पहले जो हमने किया था वो किया था हमने 24th, समझ रहे हो, और उससे पहले 23rd ऑलरेडी दूसरी वीडियो में था। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम ही है क्लास, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ साथ साथ फिर आपको समझाता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखें तो x टेंड्स टू 0 f ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है, और f मतलब 0 पे चेक करनी है नॉर्मल भाषा में कॉन्टिन्यूटी, तो ये ऐसे दिया हुआ है, और 0 दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए फिर से बता देता हूँ, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू प्लस x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है, और दैट इक्वल टू माइनस x होता है अगर x लेस देन 0। लोअर क्लासेस में हम बता देते हैं कि मोड के अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, पर 10th के बाद जब आप 11th में आते हैं तो आपको मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर अगर प्लस x लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1, पर ऐसा कब होगा चेतन ने, जब वो ग्रेटर देन 0 है x, और x अपॉन में माइनस x इक्वल टू माइनस 1, ऐसा कब होगा जब x लेस देन 0 होगा, और 0 कब होगा जब x इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें एक सेकेंड, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला आपका RHL है x ग्रेटर देन 0, ये वाला आपका LHL है, और ये वाला फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर है ठीक है। तो अगर आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चाहिए तो f ऑफ 0, LHL और RHL हमारा बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 आई है, और राइट हैंड लिमिट हमारी +1 आई है,
तो ये अनइक्वल है सारे, तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, या हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स पे जो है इट डजेंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आई होप आपको क्लियर है चेतन ने क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 27 क्वेश्चन व्हिच सेज फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 5 वेयर एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो इस बार एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 दिया हुआ है फंक्शन। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर है ये 27। यहां पर बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बेटा ग्रेटर देन का करते हैं। चल जब एक्स ग्रेटर देन 5 है, मतलब लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू मैं ले रहा हूँ 5 प्लस, जहां पे एक्स टेंड करेगा 5 प्लस एच वेर एच इज टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू वही है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा चेतन ने, एक्स की जगह आप 5 प्लस एच पुट करोगे और लिमिट यहां पर ये एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगी, एक्स की जगह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 5 प्लस एच माइनस 5, क्योंकि ये पॉजिटिव है बेटा, तो ये चीज सॉल्व होके यही सेम आएगी, क्योंकि आपको सेम डेफिनेशन पता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो सेम यही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन वाला केस था। अब ये देखो 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बच गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ एच बच गया, इसमें लिमिट अप्लाई करो ये 0 आ जाएगा। अब x लेस देन 5 पे चेक करेंगे, मतलब ये वाली जो थी पहले मैंने RHL चेक कर ली थी, अब बेटा मैं LHL चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस पे विच इज 5 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। फंक्शन पहले स्टेप में वही लिखो, बस इतना ध्यान रखो मॉडुलस ऑफ x की जगह आ गया 5 माइनस h। ठीक है, फिर वही लिमिट एस टेंड्स टू 0 इसे सॉल्व करो तो ये नेगेटिव आएगा, याद रखना बाहर माइनस आएगा, आपको पता होना चाहिए मॉडुलस ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है, तभी यहाँ पर माइनस आएगा। फिर इसे सॉल्व करो, पहले ही हो गया माइनस 5 माइनस, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं की आपने तब तक लिखते रहो, माइनस 5 और माइनस 5 ये हो गए माइनस 10 माइनस एच, लिमिट अप्लाई कर दे बेटा एच की जगह 0 आ जाएगा और LHL सॉल्व होके आ गई है माइनस 10। ठीक है, जब x हमारा लेस देन 5 है तब ये अलग आई है। ठीक है, और अगर x इक्वल टू 5 है चेक कर f ऑफ 5 पर, तो ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो सीधा x की जगह 5 लिख दे तो ये आ गया 5 माइनस 5 यानी कि 0 आ गया, दो बार तो 0 आ रही है लेकिन इसमें माइनस ही आएगी, राइट, ये ध्यान रखना। तो एक बार मैं चाहूंगा आप इसका आंसर और टेली कर लें पीछे से। ठीक है, 27 क्वेश्चन था, 13.1 का 27। तो इसमें उन्होंने पूछा था कि लिमिट, उन्होंने बस उसकी वैल्यू पूछी थी, इस चीज की वैल्यू, राइट, कि एफ ऑफ 5 पे कितनी वैल्यू, और एफ ऑफ 5 पे हमारी कितनी आ रही है ये चेतन ने, 0 आ रही है। ठीक है ना, सिर्फ यही वाली पूछी थी, तो यही आंसर तो पीछे तभी 0 दिया हुआ है, पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आपका हो गया ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चेतन ने, मैंने चूज किया है इसका अगला 28th वाला, राइट, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अलग अलग तीन इंटरवल दिया हुआ है, ए प्लस बी एक्स जब एक्स लेस देन 1 है, 4 दिया हुआ है जब एक्स इक्वल टू 1 है,
और बी ऑफ माइनस ए एक्स दिया हुआ है जब एक्स ग्रेटर देन वन है, और इस बार वन पे चेक करनी है, और ये कह रहा है इस बार कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देख इस चीज का मतलब क्या, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू वन इक्वल टू एफ ऑफ वन दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये फंक्शन ऑलरेडी वन पे कॉन्टिन्यूस है, पर हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ चेतन, ने यही सेम क्वेश्चन तुझे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 28, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, पर आपको क्वेश्चन का ना मतलब जरूर पता होना चाहिए। ए प्लस बी एक्स है अगर एक्स लेस देन वन है, फोर है अगर एक्स इक्वल टू वन है, और b माइनस एक्स है ए एक्स है जब x ग्रेटर देन वन है, और ये चीज भी दे रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू वन f ऑफ x और f ऑफ वन जो है वो बराबर दिया। मतलब इसका मतलब क्या है चेतन ने, इसका मतलब वन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बेटा ये f ऑफ वन की वैल्यू बताता हूँ, ध्यान रख जब x हमारा वन था तो फंक्शन कितना था, फोर था, तो f ऑफ वन हमारा कितना है, फोर है, राइट। अब LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू वन माइनस पे निकालूंगा, और वन माइनस का मतलब है वन माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू जीरो। अब लेस देन वन पे ध्यान दीजिए चेतन ने, फंक्शन क्या था, a प्लस बी एक्स था, राइट, क्या था, a प्लस बी एक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जहां जहां x है लिमिट तो वही चलेगी s टेंड्स टू जीरो, बस जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दे, वन माइनस h पुट कर दे, ठीक है। जहां जहां x है वहां वन माइनस h पुट कर दीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट है s टेंड्स टू जीरो, ये हो गया a प्लस बी माइनस बी एच, और साथ साथ अप्लाई भी कर दे लिमिट, अगर इसमें अप्लाई कर देगा ये एच है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। तो कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व हो गई और क्या बच गई, ए प्लस बी बच गई। अब रह गया आरएचएल, आरएचएल में लिमिट है एक्स टेंड्स टू वन प्लस, और वन प्लस का मतलब क्या है, एक्स इज टेंडिंग टू वन प्लस एच, वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो, और इस केस में फंक्शन है बी माइनस ए एक्स, तो अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप इसमें, लिमिट है h टेंड्स टू जीरो, ये है b माइनस a, और x की जगह क्या आ जाएगा, वन प्लस h आ जाएगा, इसे पहले सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा b माइनस a माइनस ए एच, अब लिमिट अप्लाई कर दो ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ क्या बच गया, ये b माइनस a बच गया, ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब चेतन ने आगे आपको पता है f ऑफ वन एल एच एल और RHL जो है ये हमारे बराबर है, f ऑफ वन की जगह 4 लिख, इसकी जगह a प्लस बी लिख, इसकी जगह b माइनस a लिख, ठीक है। ये एक तरीके से यही सेम थी इक्वेशन वन, ये थी इक्वेशन टू, ये थी इक्वेशन थ्री, पहले आप इतना कर लो, इतना हो गया, ठीक है। आपने लिखा है ना ये, एक मिनट मुझे दिखाओ, मुझे ये पेज रब करना पड़ेगा, ठीक है। और इन तीनों को जो हमने इक्वेशन में, यहाँ फिर से ये स्टेप लिख देता हूँ, ये ऐसे आ गया था, राइट, मैं ये कह रहा हूँ चेतन ने इसे इक्वेशन नंबर वन टू और इसे थ्री लिख दे, ठीक है। अब एक बार कंपेयर कर, अगर वन और टू को कंपेयर करेगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू फोर, ये फोर्थ इक्वेशन बनेगी, और अगर वन और थ्री को आप कंपेयर करते हो ना, वन और थ्री को कंपेयर करता है तो आएगा बी माइनस ए, जिसका मतलब है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन नंबर फाइव बनेगी, क्लियर है। अब दोनों को ऐड कर दे, ये तो वही सेम 10th क्लास वाला फंडा है, ठीक है। ए तेरा एलिमिनेट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 2b इज इक्वल टू 8, बी कितना आ गया, 8 बाय 2, 4, वेरी गुड। अब b की वैल्यू किस में डालेगा, फोर्थ या फिफ्थ में से किसी में भी डाल दे, फटाफट बता मुझे, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 4, 0। Yes, तो a हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 0, आंसर सुन ले, a है 0 और b है 4, और सेम इसी तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो ये लास्ट वाला भी है, 30 सेकंड, दोनों इस टाइप के हैं, ठीक है। तो आई होप हमारे चितन ने यही नहीं थे वीडियो में, बाकी सब हमने कर रखे हैं, ठीक है।